रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बासानी आपको मिल सके। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम बार बार इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं ताकि आपकी भरपूर मदद भी की जा सके और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है तो उसके लिए भी आपकी मुकम्मल हेल्प की जा सके। एक दफ़ा ज़रूर हमसे रब्ता करें, आपका मसला इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। आज जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा है। ये जो मुसखर कल्ब को करने के लिए ये अमल मैं आपको बताने लगी हूँ। कम से कम 3 रोज का ये अमल है और दिन हो जुमे का, वक्त हो इशा का, फर्ज नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। फर्ज नमाज के बाद इशा की जब फर्ज पढ़ लेना तब ये आपने अमल करना है, ठीक है। इशा की जब फर्ज पढ़ लें तब ये अमल करना है। चांद की इब्तदाई तारीखों में यह अमल करना है, यानी 9 चंदी पीर हो, 9 चंदी जुमा हो, 9 चंदी इतवार हो, 9 चंदी जुमेरात हो और 9 चंदी बुध हो। इन दिनों में आपने ये अमल करना है। तो अमल बहुत तेजी से जो है अपना असर रखता है, ठीक है। ये आपने करना है 21-21 मरतबा। जो मैं आपको दुरूद बताने लगी हूँ वो आपने पढ़ना है और पढ़ने का तरीका भी आपको समझाने लगी हूँ, जरा गौर से सुन लें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन। आगे पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम। देखें, फिर एक दफा सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मुहम्मदिन या हय्यू या कय्यूम, ठीक है। इसके बाद या हय्यू या कय्यूम जब आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, और जिसको आप तलब कर रहे हो शुरू में, यानी दुरूद जब पढ़ने लगोगे ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, इससे पहले अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, और आला हुब, उसके बाद आप पढ़ेंगे दुरूद। उसके बाद पढ़ेंगे जब या हय्यू या कय्यूम पढ़ेंगे ना आप, तो फिर आपने क्या पढ़ना है, जिसको मुसख्खर किया जा रहा है ना, उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, ठीक है। 21-21 बार आपने पढ़ना है और पढ़ना कब है, इशा के फर्जों के बाद, ठीक है। मैं दोबारा इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल परेशानी ना हो। ये आप ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आप जिसके लिए ये अमल करेंगे आपका प्यारा आप तक पहुँच जाएगा। दूर है तो राब्ता इंशाल्लाह करेगा। अमल को तरीके से करें। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, जब भी आप अमल के लिए बैठें कपड़ों का ख्याल रखें। जो पहले दिन अमल में कपड़े इस्तेमाल किए वही कपड़े पहने, तस्बीह भी वही हो, अतर भी वही हो, जाए नमाज भी वही हो, बैठने की जगह भी वही हो, टाइम में मुकर्रर 1 सेकेंड भी कम ना हो। तो अमल देखिएगा किस तरह आपके काम करता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें आपके प्यारों को मिलाने के लिए, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।